Hello students, this is Mansi Arora. I hope you all are doing well. Well, as we all know, due to this pandemic COVID-19, we have to continue our new session studies on online basis. So today we are studying our new subject, that is Principles of Business Management, BCom second year. You have already learned this business subject, that was business studies, in your plus two level. Business studies. I must say this is all about the extension of that. The syllabus is wider, but still the basic was only that. So our topic for today is management. What is management? Management. Now, what is the meaning of manage? Manage ka kya matlab hai? What is the meaning of manage? Is to handle. What to handle? To handle the things, or you can say to handle the problems. And we are talking about business management. So, to handle the problems of businesses. So, इसका मतलब हुआ कि हम handle करते हैं जब problem business की, तो that is management. मतलब controlling के through, controlling of the businesses of a firm of an organization is known as management. अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सिंपल देखें, इन आर डे टू डे लाइफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है. इन आर डे टू डे लाइफ या आप कहेंगे हर जगह, हर चीज़ में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट. अगर हम अपनी एक अपने डेली का एक जो रूटीन देखते हैं, तो उसमें भी मैनेजमेंट है. हम मैनेज करते हैं चीज़ों को कि हमें अब ये करना है, अब ये करना है. तो विदाउट मैनेजमेंट तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. अब अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट को समझना चाहते हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक सिंपल सा अगर हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक एग्जांपल लें, तो लाइक योर मदर या जो भी है आपका मैनेज करती है चीज़ों को, तो वो एक जैसे रेशन है या कोई भी चीज़ है, कितने टाइम तक रखना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, किसको क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैनेजमेंट होता है. एक घर पे भी एक मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग चलते हैं, तो ये हमारा मैनेजमेंट हो गया. वो चीज़ों को स्टोर करना, रखना, अकॉर्डिंगली फिर दूसरी चीज़ लाना, ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया. और जब ये चीज़ें कोई मैनेजर करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ फर्म, तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस के लिए मैनेज करना. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेजमेंट, कम टू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और थ्रू पीपल. ये हमने एक ट्रेडिशनल हमारी डेफिनेशन है, जो हमने सबको ही हमने सबने ही पढ़ी होती है, मतलब सबको ही पता है इसके बारे में. ये हम मैरी पार्कर के थ्रू दी हुई डेफिनेशन है, जो हम लोग एक लेवल पे आके इंट्रोडक्टरी लेवल पे हर कोई पढ़ता है, कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब थ्रू अदर्स. तो इज दिस अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? नो, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं, जो एक सर्टेन अदर फैक्टर्स हैं, जो सर्टेन अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट को, उनको टोटली इग्नोर किया गया है. तो जो मोर इफेक्टिव डेफिनेशंस हैं वो अदर देन दैट है. क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, मोस्टली ये वाली डेफिनेशन लिख के आते हैं, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि इग्नोर करता है फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. मैनेजर की कोई फंक्शंस नहीं है, क्या है, बस सिंपल सी बात है कि थ्रू अदर्स जो हम वर्क करा रहे हैं. एक इग्नोर करता है जो एक साइंटिफिक आस्पेक्ट है मैनेजमेंट की, उसको भी इग्नोर किया हुआ है इसमें. एक ह्यूमन आस्पेक्ट को भी इग्नोर किया हुआ है, कि एक बस ये क्या शो करता है, ओनली गेटिंग थिंग्स डन, कि दूसरों से हम चीज़ें करवा रहे हैं, लाइक दैट. एक ह्यूमन आस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे बिल्कुल टोटली इग्नोर किया गया. तो आप जो मोर एफिशिएंट जो डेफिनेशन है ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या होगी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये हमें जो फंक्शंस पता है मैनेजमेंट के, एक्टिविटीज ऑफ एंड यूजिंग
resources of an organization for accomplishing the organizational goals efficiently and effectively in an ever-changing environment. It contains all the factors, all the functions of management. एक प्रोसेस होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का एक्टिविटीज़ को जो रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे मतलब यूज़ किया जाता है जिसमें मोस्ट एक जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है टू एकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मतलब मोर इफेक्टिव वे में हम कैसे ले सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हमारी सारे के सारे देखो टेक इनटू अकाउंट वेरियस जो फंक्शंस हैं लाइक पीओ जो हमारा होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सब भी है इसके अंदर. और ये एक उसको इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे ऑब्टेन किया जाता है मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है रिसोर्सेज का उसके बारे में भी है. नाउ कम टू द पॉइंट व्हाट इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ये टू डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम सिंपल सी एक बात लेके चलते हैं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का. लेकिन अगर पूरा आप इंट्रोडक्टरी लेवल पे मतलब पूरा आप अच्छे से पढ़ें तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस व्हाट आर द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. द डिफरेंस इज एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन इनपुट. जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनमें हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं मीन्स इसमें क्या है कि हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिंपल सी बात है विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम विदाउट वेस्टिंग ऑफ द एफर्ट्स मनी एनर्जी कितने भी चीज़ें आप ले सकते हैं अगर हम उनको वेस्टेज उनका ना करें तो हम अपने मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसको देखा जाए तो हम बोलते हैं कि कंपैरिजन होता है बिटवीन बजट आउटपुट कि बजट आउटपुट हमारा क्या था और हमने एक्चुअल आउटपुट क्या ऑब्टेन किया है उन दोनों के बीच का ये कंपैरिजन हो गया और एक शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है, अब अगर हम आए इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या होता है ये एक एक्सटेंड होती है दिस इज द एक्सटेंड टू विथ समथिंग हैज़ बीन डन. क्या हमने किया एक एक्सटेंड किस लेवल तक हमने कोई काम को किया है मतलब टू अचीव द जो टारगेटेड हमारा आउटकम है जो हमने रिजल्ट पाया है उसको हमने किस एक्सटेंड तक हमने उसको कम्प्लीट किया है कम्प्लीशन किया है कितना हमारा टारगेट जो आउटकम आया है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कितना गुड हमने उसको अचीव किया है मतलब इसमें एक्सीलेंसी को एक शो किया जाता है वो एक्टिविटी को इसमें दिखाया जाता है कि हमने कौन सी कितने एक्सीलेंट वे में अपनी एक्टिविटी को अचीव किया है. तो ये क्या होता है ऑब्वियसली लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव है. ये सिंपल सी अगर आपको इनको दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो सिंपल सी बात है एफिशिएंसी इज टू डू द थिंग्स परफेक्ट. एफिशिएंसी क्या होती है टू डू द थिंग्स परफेक्ट व्हाइल इफेक्टिवनेस इज टू डू परफेक्ट थिंग्स. इफेक्टिवनेस क्या होती है परफेक्ट थिंग्स को करना. सिंपल सा ये डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए. अब इसमें ये चीज़ भी ये फैक्टर भी आ गए कंप्लीट डेफिनेशन कैसे है जो ये कंप्लीट मैंने आपको बोला है कि दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स हमारे फंक्शंस भी आ गए कैसे हमें वर्क करना होता है मैनेज करने के लिए चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए आउटपुट चाहिए मिनिमम इनपुट के अंदर. और एक यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट. ये जो हम एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट हमने स्वॉट एनालिसिस में जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या होती हैं थ्रेट्स क्या होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं किसी भी बिजनेस की तो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट जो हमारा होता है मतलब जिसमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स अब इंटरनल फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं दीज आर कंट्रोलेबल. जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स और ये हमारे क्या होते हैं अनकंट्रोल जो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं
ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या है? ऑब्वियसली दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? जो एक सिंपल से अगर आप बोलेंगे तो मार्केटिंग मिक्स के अगर आप 4 P's लें, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग आपको कितनी करनी है आपके हाथ में, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट आपको कैसा चाहिए, कि क्या क्वालिटी आपको रखनी है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में। तो आप तो एक तो आप 4 P's इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। लो मार्केट अगर आपका शेयर है, आपको कैसे उसको रेज करना है, मार्केट शेयर इसमें आ सकता है कि आपको किस क्या क्या चीज़ें कैसा डेवलपमेंट करना है, क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करने के लिए। आपका अगर लैक ऑफ स्किल्ड आपके पास एम्प्लॉयज़ है तो आप उनको कैसे, आप स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को कैसे ला सकते हो। उसके बाद हो गया आपका अगर किसी भी तरह का मतलब कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर्स हैं जो आपके अच्छे से नहीं अप्लाई हो रहे, आपके आपके जो फर्म है, आपका जो भी कोई भी मैनेजमेंट है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे प्रोसेस प्रोसीजर्स आपके, उसको आप कैसे एडवांस कर सकते हैं। अब हमारा आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं? नॉन कंट्रेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उस पर तो हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। सोशो कल्चरल जो इन्वायरमेंट है हमारा वो कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, ठीक है। एक हमारा कंपटीशन कैसा चल रहा है मार्केट के अंदर, कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लीगल कंडीशंस जो हैं किसी भी कंट्री की, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी जो कंप्लीट डेफिनेशन है अकॉर्डिंगली, जिसमें हमारी सब चीज़ कंप्लीट होती है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इज दिस वन। तो आपको मैनेजमेंट का मीनिंग अब पता चला है। नेक्स्ट में अब हम इसको और आगे एक्सटेंड करें। थैंक यू।